नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एनडीए का डिटेल नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है, एनडीए 1/2023 के लिए, और 12th अपीयरिंग 12th पास आउट के लिए दोस्तों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने की। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे दोस्तों एनडीए 1/2023 के लिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप टारगेट कर रहे हो एनडीए 1/2023 को, तो आप सभी को पता है 26th of December से उमंग एनडीए 1/2023 का कंप्लीट बैच जो है अनअकैडमी पर लाइव हो जाएगा। जो है इसका प्राइस आपके लिए है दोस्तों 1980 रुपीज़, मात्र 1980 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल करके इस बैच को ज्वाइन करते हो, तो आपको और जो है 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस बैच के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे दोस्तों, जिसमें दीक्षा सिस्टम, सुनील कुमार गुप्ता सर, मयंक चतुर्वेदी सर, श्याम शर्मा सर और प्रतीक दलाल सर जो है यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों, बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों एनडीए के ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पर। इस एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ मैंने जो है टेलीग्राम पर डाल रखा है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो भाई, ये जो नोटिफिकेशन है ये एनडीए 1/2023 के लिए जो है लाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की, तो आप सभी को पता है भाई, इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके यहाँ पे क्लियरली आप सभी देख सकते हो दोस्तों, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है यूपीएससी के लिए, वो तो आप सभी को पता ही है, वो भाई है आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे भाई, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो भाई, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों फॉर्म भरने की, वो 10 जनवरी 2023 रखी गई है शाम के 6 बजे तक। दोस्तों, अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो 10 जनवरी 2023 से पहले पहले शाम को 6 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आप सभी को पता है भाई पेनल्टी रहने वाली है, यानी आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओएमआर बेस यानी ऑफलाइन आपका जो है एग्जाम होगा दोस्तों एनडीए का, आप सभी को पता है 2 पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं दोस्तों, जिनको आप जो है रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो अब की बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 395, अप्रोक्सीमेट 400 के नियर ही जो है हर बार वैकेंसी रहती है। तो आर्मी के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा भाई 208 वैकेंसी है, नेवी के लिए 42 वैकेंसी है, एयरफोर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे 92 वैकेंसी है, जिसमें फ्लाइंग की 92 है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की 18, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 10 वैकेंसी है, और नेवल एकेडमी के लिए दोस्तों यहाँ पे भाई आपके जो है 25 वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल 395 जो है यहाँ पे वैकेंसी आपकी रखी गई है। ऑल ओवर इंडिया जो है आप सभी को पता है इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं, सेंटर की लिस्ट आपको दे रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, नेशनलिटी भाई अगर हम बात करें तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। तो ये जो है नेशनलिटी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की भाई दोस्तों, यहां पे केवल और केवल अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 या फिर 1 जुलाई 2007 है, या इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे जो है अगर हम बात करें भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने 10+2 पास की होनी चाहिए दोस्तों, 10+2 पैटर्न से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग्स के लिए जाना चाहते हो, या फिर आप भाई 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के तहत जो है इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, तो 10+2 आपने की होनी चाहिए, लेकिन 10+2 में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जो है कंपलसरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, जो कैंडिडेट जो है अभी अपीयर कर रहे हैं दोस्तों 10+2 में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसएसबी के टाइम पे आपको जो है अपनी 10+2 का जो है पासिंग सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे दिखाना होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें भाई यहाँ पे अदर डिटेल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके जो नेवी के अकॉर्डिंग नेवी में रहेंगे, एयरफोर्स के अकॉर्डिंग एयरफोर्स में, और आर्मी के अकॉर्डिंग आर्मी में। दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट जनरल मेल है भाई, तो उनको जो है 100 रुपीज़ यहाँ पे जो है फ़ी पे करनी होगी दोस्तों, यहाँ पे बताया है। लेकिन जो एससी एसटी हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर वार्ड ऑफ जेसीओ एनसीओ ओआरएस हैं, तो उनको जो है यहाँ पे फ़ी से जो है एग्जेम्प्टेड रखा गया है, उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। फ़ी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में जो है पे कर सकते हो। फ़ी की भी लास्ट डेट आपकी जो है 10 जनवरी 2023 रहेगी, ठीक है। तो ये जो है
सारी डिटेल जो है इन्होंने बता रखी है दोस्तों, जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 10 जनवरी 2023 शाम को 6 बजे से पहले पहले। ठीक है, कुछ और इसमें जो है आपको डिटेल दे रखी है दोस्तों, जैसे भाई अगर आप दोस्तों यहाँ पे जो है सेलेक्ट होते हो तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। सिलेक्शन आपका जो है टोटली अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा यानी OMR बेस्ड टेस्ट होगा, प्लस आपका जो है SSB यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, कंबाइंड स्कोर के बिहाव पर ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये डिटेल जो है एडवर्टीजमेंट आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक सेपरेट वीडियो में इसका एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताऊंगा, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपका जो OMR बेस्ड टेस्ट है दोस्तों, रिटन टेस्ट, वो आपके 2 पेपर होंगे जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा दोस्तों। पेपर 1 जो आपका रहेगा वो मैथमेटिक्स का रहने वाला है दोस्तों, और पेपर 2 जो है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट का यहाँ पे रहने वाला है। पेपर 1 300 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 आपका जो है 600 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर से रीड कीजिएगा दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले एक बार आप सभी जरूर से रीड कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, और बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, उमंग NDA, और मेरा रेफरल कोड ध्यान रखिएगा भाई इंडियन है, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।